आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपने जो स्क्रीन पे जो टॉपिक देखा है ऑर्डर 26 रूल 9 सीबीसी, साथियों आज मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस कंडीशन में लागू किया जाता है और किस कंडीशन में ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये लागू नहीं किया जाता है। साथियों, अगर आपको कानून की समझ है तो आप समझ गए होंगे किसका मतलब क्या होता है ऑर्डर 26 रूल 9 का एप्लीकेशन कब फाइल करते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसे मान लीजिए हमारे और विरोधों के बीच कोई विवाद है तो हम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि कोर्ट किसी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो वहाँ पे जाके देखे कि विवाद की स्थिति क्या है, वहाँ पे विवाद की जड़ क्या है, वहाँ पे विवाद क्यों हो रहा है। तो साथियों, हम क्या करते हैं, हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ विवाद की स्थिति ऐसी है कि बिना अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को भेज दे तो उसे बेहतर तरीके से उस मामले को समझा जा सकता है और उस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कोर्ट में हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमिश्नर की नियुक्ति की है जो वहां पे जाके विवाद की स्थिति का पता करे और विवाद की जड़ क्या है उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को प्रस्तुत करे और कोर्ट उसके आधार पे फैसला दे। अब साथियों, हम जो व्यक्ति जेन्युइन होते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ जो जो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई सीमांकन को लेकर विवाद है या फिर जमीन से संबंधित कुछ अन्य विवाद है, वो कोर्ट में जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन स्वीकार किया जाए और कोर्ट वहाँ पे उनका एप्लीकेशन स्वीकार करके कमिश्नर को आदेशित करे कि अपना रिपोर्ट सबमिट करे। लेकिन साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जानकारी नहीं होती कि किस कंडीशन में हम कोर्ट से इस एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट इस एप्लीकेशन को स्वीकार करके कमिश्नर को आदेशित करे कि वो रिपोर्ट सबमिट करे। अब साथियों, इसमें जो मुख्य बातें ये हैं कि हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि आखिर किस कंडीशन में ऑर्डर 26 रूल 9 का एप्लीकेशन स्वीकार किया जा सकता है। अदरवाइज अगर भले ही आपकी ज़मीन पे किसी ने किसी प्रकार से कब्जा कर लिया, फिर कुछ भी कोई विवाद की जड़ है, अगर वहाँ पे कोई बंटवारे को लेकर विवाद है या फिर कुछ अन्य विवाद है, तो भले ही आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके बावजूद भी आपका जो एप्लीकेशन है स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं यहाँ पे जो कमिश्नर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कमिश्नर का मतलब ये नहीं है कि आपने जो देखा होगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कमिश्नर होते हैं, जो आईएएस होते हैं, वो कमिश्नर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कमिश्नर का मेरा मतलब ये है और यहाँ पे इस सेक्शन में जो कमिश्नर का मतलब बताया गया है कि कोर्ट किसी भी ऑफिसर की नियुक्ति कर दे जो वहाँ पे जाके वहाँ पे यथास्थिति देखे कि वहाँ की स्थिति क्या है और कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करे। वो कोई भी हो सकता है, आरआई हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है या फिर अन्य कोई रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेटेड होते हैं, वो भी कोई भी हो सकते हैं। अब साथियों, इसमें मैं आपको तीन जजमेंट बताऊँगा। एक जजमेंट आपको ये बताएगा कि किस कंडीशन में जो इस जजमेंट ये बताएगा कि किस कंडीशन में ऑर्डर 26 रूल 9 का जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें बताया गया कि किस कंडीशन में स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके अलावा एक एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया कि किस कंडीशन में ये जो एप्लीकेशन है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। अब साथियों, इसमें इन जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बात है और जो इनका जो सार ये है कि साथियों, जहाँ पे विवाद कोई इंक्रोचमेंट को लेके है, किसी अतिक्रमण को लेके है, वहाँ पे आप इस एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस फैसले के आधार पे, चूँकि जो हमने जो जजमेंट बताया बताऊंगा मैं आपको, उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर इंक्रोचमेंट को लेके इशू है तो आप ऑर्डर 26 रूल 9 का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट उसे स्वीकार करेगा। वहीं साथियों, जहाँ दूसरा विवाद है सीमांकन को लेकर, डिमार्केशन को लेकर, अगर सीमांकन को लेकर विवाद है तो वहाँ भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट वहाँ पे कमिश्नर की नियुक्ति करे और वहाँ पे कोर्ट उससे रिपोर्ट मांगे कि यहाँ पे विवाद किस चीज़ को है। लेकिन साथियों, यहाँ पे जो मैं सीमांकन के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वर्ड डिमार्केशन के लिए, यहाँ पे आपको कोर्ट में ये बताना होगा कि आपने इससे पहले, आप इस एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेवेन्यू ऑफिसर के समक्ष एप्लीकेशन फाइल किया था और उस या तो वो सीमांकन गलत तरीके से किया गया है या फिर उस पर सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए सिविल कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है इस बात के लिए कि उस जगह का सीमांकन कराया जाए और वहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति की जाए जो वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट कर सके। अब साथियों, कई बार क्या होता है कि जो वादी पक्ष होता है, जिसका जिसका के विवाद इस चीज़ को लेकर नहीं है, वो क्या करता है, साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए, मतलब वो एक प्रकार से प्रूफ जान के लिए, जैसे मान लीजिए वहाँ कोई बंटवारे को लेके विवाद है तो कोर्ट में झूठे मूठे वो आश्वासन दे करके, कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कि वहाँ पे कमिश्नर की नियुक्ति कर दिया जाए क्योंकि विवाद इस प्रकार से है, इसलिए कि अगर कमिश्नर वहाँ पे जाएगा तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट सबमिट करेगा और रिपोर्ट में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे बंटवारे का विवाद है इस प्रकार से है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे विवाद डिमार्केशन या फिर
या फिर इंक्रोचमेंट को लेकर नहीं है, उस कंडीशन में इस तरह का एप्लीकेशन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मैं आपसे जिन जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ आप देखिएगा साथियों, जो सबसे पहला है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको हम देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। इसमें साथियों ये जो जजमेंट है ये हरियाणा वक्फ बोर्ड वर्सेस शांति स्वरूप एंड एंडर्स के नाम से है, और इसमें कुछ जो विवाद था वो इंक्रोचमेंट को लेके था और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। देयरफॉर इट कैन नॉट बी इन डिस्प्यूट दैट द डिस्प्यूट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ द सूट लैंड। एडमिटली इन दिस केस द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ द सीपीसी व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, बट इन व्यू ऑफ द fact that it was a case of demarcation of the disputed land, it was appropriate for the court to direct the investigation by appointing a local commissioner under order 26 rule 9 of the CPC। इसमें कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पे विवाद इंक्रोचमेंट के लोग है लेके है वहाँ पे इस तरह का एप्लीकेशन स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया है नीचे की कोर्ट ने उसने गलत किया है, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाना चाहिए। अब साथियों जो दूसरा जजमेंट है वो MP हाई कोर्ट का जजमेंट है। साथियों इस जजमेंट में आप देखिएगा इस जजमेंट में क्या कहा है कोर्ट ने। ये जो जजमेंट है ये है अनुराग जसवाल वर्सेस कलेक्टर, ये 10 अक्टूबर 2018 को डिलीवर हुआ है, और इसमें बताया गया है साथियों कि जहाँ पे इसमें भी वही इंक्रोचमेंट का इशू था, इन केस वेयर देयर इज नो एग्रीड मैप बिटवीन द पार्टी एंड वेयर इन क्वेश्चन ऑफ इंक्रोचमेंट इज इन्वॉल्व, द पावर अंडर 26 रूल 9 कैन वेरी वेल बी एक्सरसाइज। और एक जजमेंट और भी बताया गया है इन 1975 दुर्गा प्रसाद वर्सेस पी फौजदार डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट ओपिनियन दैट इन केस वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू इंक्रोचमेंट द फैक्ट वेयर देयर इज सच एन इंक्रोचमेंट आर नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीड मैप एक्सेप्ट बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर अंडर ऑर्डर 26 रूल 9। साथियों इस जजमेंट में कुछ बात ऐसी थी कि अगर कहीं एग्री कोई मैप है, कोई ऐसा कोई मैप नहीं है जो डिसाइड कर सके कि हाँ इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, वहाँ पे लोकल कमिश्नर की नियुक्ति करना जरूरी है और उसके आधार पर ही फैसला किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे जो विवाद है उसकी जड़ क्या है। अब साथियों जो एक जो जजमेंट में जो बता रहा था कि वो किस कंडीशन में लागू नहीं किया जाएगा, ये इस जो जजमेंट है ये है अनिल कुमार बनाम प्रकाश विच, और इसमें ऐसा बताया गया है कि जहाँ पे कोई सीमांकन का विवाद नहीं है और वादी द्वारा अतिक्रमण को भी साबित नहीं किया गया है, और वहाँ पे ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि वादी द्वारा किसने विवादित भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व अधिकारियों की शरण ली और राजस्व अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो केवल साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय आयुक्त मीन्स लोकल कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, और लोकल कमिश्नर नियुक्त करने के लिए जो आवेदन है वो अस्वीकार किया जाना उचित है। तो साथ ही ये जजमेंट है हमने जो आपको बताया निश्चित तौर पर ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होंगे, जो कमिश्नर की नियुक्ति कराना चाहते हैं उनके वो भी समझ गए होंगे, और जो चाहते हैं कि कमिश्नर की नियुक्ति ना की जाए क्योंकि वो केवल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए है ना कि मौके की सही स्थिति जानने के लिए है, और जो विवाद की जो जड़ है वो डिमार्केशन और इंक्रोचमेंट नहीं है, तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष समझ गए होंगे कि किस किस कंडीशन में विरोधी और प्रतिवादी प्रतिवादी और प्रतिवादी किस कंडीशन में ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन स्वीकार किया जाना चाहिए। साथियों अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।